हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबको और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों अभी सुबह के बज गए 6:30। तो सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग आप सबों को। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आज हमारी तरफ बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है। देखिए अभी थोड़ा कम हो गया है पर पूरा रात भर आया है और कल भी आया है। कल से ही बहुत ज़्यादा बारिश है। पानी देखिए वो आस पास की खेत में पूरा पानी जम गया है। बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है रात भर। नहर में भी पूरा पानी बह रहा है। तो दोस्तों अभी हम जाएंगे बनाने के लिए सुबह का नाश्ता। तो ऐसे बारिश में दोस्तों कुछ चटपटा सा खाने का मन करता है। तो अभी हम बनाएंगे बेसन का भुजिया। तो चलिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और वीडियो मेरा थोड़ा सा पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसको आप लोग लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं किचन और अभी सबसे पहले हम प्याज काटेंगे। प्याज डालेंगे बेसन में। प्याज डालने से अच्छा लगता है तो फटाफट से हम प्याज को काटते हैं। अभी प्याज को थोड़ा सा धो लेंगे दोस्तों। छील लिए, छिलका और निकाल लिए हैं प्याज का। अब छोटा छोटा पीस में इस तरह से काटेंगे सभी प्याज को। प्याज को काट लिए। अब बेसन डालेंगे इसमें। तीखा अनुसार हम डालेंगे इसमें मिर्ची, हरी मिर्च डालेंगे। ज़्यादा तीखा हम लोग नहीं खाते हैं तो थोड़ा सा ही डालेंगे। डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। हल्दी पाउडर भी डाल देंगे और इसमें मिक्स मसाला है इसको भी डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे। प्याज जो है थोड़ा मोटा मोटा कटा गया है तो मेहनत लग रहा है। अच्छी तरह से मिला लिए हैं। पानी के साथ मिलाएंगे आप इसको, बेसन को। थोड़ा सा टाइट है तो छींटा मारेंगे पानी का, फिर से फिर मिला देंगे अच्छी तरह से। सभी को मिला लिए हैं इस तरह से। देखिए ये अब तलने लायक बन गया है तो हम गैस चलाते हैं। तेल गरम होने के लिए चढ़ा देते हैं। तो पहले हम पूड़ी बनाए थे तो कढ़ाई में डाले थे तेल को, तो उसी को चढ़ा दिए हैं हम। तो उसी तेल में अभी इसको छानेंगे। तो तेल जो है गरम हो गया है तो हम छानना स्टार्ट करते हैं। से उलट पुलट करेंगे दोनों तरफ से पकने के लिए क्योंकि अच्छी तरह से पक जाएगा। और दोस्तों भुजिया जो है अच्छी तरह से छना गया है यानी तला गया है तो हम तेल से बाहर निकालेंगे। देखिए कलर अच्छा दिख रहा है। तो सभी भुजिया को हम तेल से बाहर निकालेंगे और इसी तरह से सभी को बना लेंगे। सभी बेसन को हम छान लिए हैं दोस्तों, तो ये लास्ट वाला है, पाते हैं इसको भी। और काफ़ी सारा हम बना लिए हैं मस्त कुरकुरे, देखिए कलर भी अच्छा दिख रहा है, मस्त मस्त कलर दिख रहा है। देखिए सभी को बना लिए हैं, इतना सारा बन गया है।